अमेरिका के साथ अमन मुहिदे पर तालिबान का यू टर्न, फौज के खिलाफ फिर ऑपरेशन की वार्निंग जारी है। अमेरिका और तालिबान के दरमियान हफ्ते के रोज कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमन मुहिदे पर दस्तखत हुए थे, जिसमें अमन बहाली की कोशिश कर रहे अमेरिका को एक बार फिर झटका लगा है। तालिबान अफगानिस्तान ने पीर के रोज ऐलान किया है कि वो जज्वी जंग बंदी खत्म करने के साथ ही अफगान सलामती दस्तों के खिलाफ फिर से ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। इस जज्वी जंग बंदी का ऐलान शिद्दत पसंदों और वॉशिंगटन के दरमियान मुहिदे पर दस्तखत होने से पहले किया गया था। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, तशद्दुद में कटौती अब खत्म हो गई है और हमारी मुहिम मामूल तौर पर जारी रहेगी। उन्होंने कहा, मुहिदा अमरीका तालिबान के मुताबिक हमारे मुजाहिदीन गैर मुल्की फोर्सेस पर हमले नहीं करेंगे, लेकिन काबुल की इंतजामिया वाली फोर्सेस के खिलाफ हमारी मुहिम जारी रहेगी। बता दें कि अमरीका और तालिबान के दरमियान हफ्ते के रोज कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमन मुआहदे पर दस्तखत हुए थे। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोपियो ने कहा था, तालिबान के साथ हमारा मुआहदा कारगर साबित होगा, तालिबान पूरी तरह अमन बहाली की सिमत में काम करेंगे। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, सामने मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करके आने वाली तमाम ताजा तरीन खबरों से बाखबर रहें।